कासगंज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय पर की बैठक। बैठक के बाद कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चालित हो रही है, रामपुर में उस समय रहे थे एडीएम डॉक्टर वैभव शर्मा जी, आपको सर यही है सर सवाल है प्लीज। तो उस समय सरकार को 45 करोड़ का घपला देने का प्रयास किया, वही सर यहाँ भी एनएच बनने जा रहा है जिसके नोडल अधिकारी हैं ये, तो सर क्या होगा इसमें, क्या इनसे अपेक्षा की जा सकती है सर? आप ये चिंता न करो, आप ये समझ लो हमारी सरकार में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त कासगंज। सर उम्मीद कैसे करा कि ये 90 करोड़ का नहीं करेंगे घपला, 45 करोड़ का कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए सोरो तीर्थ स्थल हो चाहे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, ऐसे सभी तीर्थ स्थल का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कल विश्व पर्यटन दिवस था और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आपने देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक पर्यटक अगर किसी एक राज्य में आए तो उत्तर प्रदेश में आए। भगवान बारा की अवतार की धरती है सोरों, वो हमारे लिए पूज्य है, वहां मैं अपना शीश झुकाता हूँ और जल्दी ही आप अयोध्या मथुरा काशी की तरह सोरों का भी विकास होता हुआ देखेंगे। आऊंगा अगली बार, अभी चूंकि आज यहाँ से नहीं उड़ा है, अलीगढ़ से उड़ना है इसलिए। मुझे मालूम है उसमें नहीं, भाजपा कोई कुटारा डाप नहीं कर रही, भाजपा ऐसे हर व्यक्ति का सम्मान करती है, ऐसी किसी दुर्घटना के जो दोषी उनको गंभीर करने का काम किया है और ऐसी कोई दुर्घटना न हो, शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था सब अच्छी बनी रहे, इसका प्रयास करें। सर सोरों को देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।